शहर के हुसैन इमाम बारगाह में पहली सालियानी मजलिस अला शब बेदारी थी गुजरी। मजलिस में सिंध बलोचिस्तान के नाले वारन जाकरन उलमाए करामन समेत जेकबाबाद ओस्ता मोहम्मद सोबतपुर डेरा मुराद जमाली ए भरपासी मकाफिलन की सूरत में सभी आजादारन शिरकत कई। आजादारन मातमी जुलूस भी बरामद कयो जेको शहर के मुख्तलिफ रस्तन का थींदो मजलिस शब बेदारी में शामिल थी वयो। मैं फातिमा ज़हरा हूँ पहचानो मुसलमानों। मजलिस दौरान कें भी अणवणंदड़ वाक्य के मुंह दियण लाइ जाफराबाद पुलिस पारा सिक्योरिटी जा इंतजाम सख्त कया वया ए इमाम बारगाह की चइनि तरफन का एहलकार मुकरर कया वया। मजलिस आजादारी बाबत आयल जाकरन ए आजादारन सिंध टीवी न्यूज के बुधायो त सैयद अजहर अस्सलाम अलैह रसूल खुदा कैनात दे सरदार दी बेटी दी शहादत दे सिलसिले नाल है ते ए सालाना मजलिस है पहली उलमाओ जाकिरीन आजादारी और जनाबे सैयद अजहर अस्सलाम अलैह दी शहादत ते पुरसा थी कने पुरगा मजलिस दे खिताबत दे खिताबत तो बाद आजादारी नुआखानी थींदी आखिर में दुआ थींदी। जी अस यो पैगाम दियूं था कि रसूल दी नियाणी नाल जेका जुल्म थी आन उंदी शहादत दे हवाले नाल अस मुसलमान ते वाज़े करण चाहूं था कि ए रसूल दी नियाणी आ इंदी शहादत दे हवाले नाल सजा मुसलमान ई प्रोग्राम को मनावेन ताकि वाजे थी वे कि रसूल दा घर उजड़िया जो है उन्दे कोई मनावण आला है कोई उन्हां दा पिछू उन्हां दी उम्मत दे विचों उन्हां दे पैरवी करण वाले हैं। पहरी मजलिस अज़ावा सालाना जी मजलिस अज़ाऊं शब बेदारी भी है बस सिलसिला शाद सैयदा फातिमा सदीका ताहिरा के सिलसिले में जी हाँ मौलाना साहब खिताब करन था उनको पो शब बेदारी आजादारी कंदी अंजमन आजान सुबह की आजान तक आजादारी मजलिस जो प्रोग्राम खत्म थी वो आजादारन के लिए नंगर न्याय सबील हर किस्म जो बंदोबस्त किया वो अस मिलत इस्लामिया के पैगाम दियण चाहूँ था मोहब्बत अमन हुसैन मौला जो पैगाम मोहब्बत अमन हो मोहब्बत अमन के फैलाया वे आजादारी इमाम हुसैन इमाम हुसैन के मिशन के इमाम हुसैन के नजरिए के लागू किया वे ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में अमन अमान ए भाईचारे की फिजा कायम थे। पूरी मिलत इस्लामिया के अस अज इन सैयदान के प्रोग्राम की तवसत से अपील कंदे मसलक को परे हटी कर पान में भाईचारो मोहब्बत इत्याज जो मुजाहरो करन ताकि दुश्मन के अस नाकाम कर सकूँ। सैयदा से मुनासिबत रखे थी नबी जी न्याणी जनाब सैयदा उन बारे में तो जनाब सैयदा पांजे बाबे खां बाद केतरा दुख डिठा आए कें दिना उनके मां बयान करना ना तो चाहें छो तो ये इतिहाद जो दौर मोहब्बत जो दौर अहल इल्म उनके पढ़ी सकता तो जनाब सैयदा बाबे जी दरबार में छो वही किए मोटी वही तो कड़ी उम्मीदू खी वही मोटी तो कड़ी उम्मीदू खी आई उन तारीख उनके लिखा को जनाब सैयदा के किरदार से यो साबित कर सकता तो जनाब सैयदा या जनाब सैयदा के शोहर सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत कई ए जनाब सैयदा के किरदार के बयान करण से उनमें वाज तौर पर माशरे की खिदमत जहाँ सबक हासिल थी सकन था। अहल बैत की सीरत में ही अमुन आहल बैत की सीरत के अपनायण से इंसान की भलाई आ ही बुख बदहाली जो खात्मो अहल बैत की सीरत में ही आब्लीग आ मुख्तलिफ डी हर फिका के अंदर जी बारा रबी अव्वल जी शब शब बरात जी ईद आ जी मुहर्रम शरीफ आ ये बासादत वलादत के मौके से ये फंक्शन करन खपन और इन्हीं में ही अखुवत इन्हीं में अमन जो पैगाम वो इन्हीं में ही इंसानियत के फलाह के लिए बड़ो एक सबक आमोज दर्स मिलो इंसान के इस्लाम की जी बेसिक आमन के मथु आ अखुवत के मथु आ भाईचारे के मथु आ न के फिरका वरायत के बारे में।